ठीक है, तो आज से हमारा हम लोग विलन का रिवीजन भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो चैप्टर विलन का रिवीजन भी यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी ओम, गुड इवनिंग। सो चलिए इस पे फोकस करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के। सो एनिमल फिजियो का है ये चैप्टर, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लोकोमोशन एंड मूवमेंट ओवर हियर, सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। विल अंडरस्टैंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे हमारे टॉपिक्स है जो हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे रहेगा टू मेनली फोकस ऑन द, ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम एंड मूवमेंट और लोकोमोशन, इसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे बिकॉज यही आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे लेगा। बाकी चीजें इतना टाइम नहीं लेती, बट दिस इज अ पार्ट विच जनरली टेक्स मोर अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हियर दैट हमारे सर्वाइवल के लिए हमें अडेप्ट करना हमारे लिए काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। And that is something, movement and walking and locomotion is something is an important part of our life. ये वो चीजें जो आपकी non-living things आपकी कर नहीं सकती। So that is something वो जो आप यहाँ पे brief तरीके से एक intro की तरह यहाँ पे mention किया हुआ है। Let's have a look over here. Movement is one of the significant feature of the living beings. Movement आपका एक काफी important feature आपके यहाँ पे होता है। Animal plant exhibit wide range of movement. Streaming of protoplasm is also one kind of movement over here. So basically अगर मैं बात करूँगा तो आपके plants भी movement show करते हैं। अगर मेरा प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है, अगर मेरा प्लांट वाटर की तरफ ग्रो कर रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ मूवमेंट। सो प्लांट आपके मूवमेंट शो करते हैं, हम लोग भी मूवमेंट शो करते हैं। तो अगर मैं अपना यहाँ पे हैंड मूव कर रहा हूँ, सो दैट इज वन टाइप ऑफ माय मूवमेंट। ओके, इवन अगर हम बात करें, सो इवन योर यूसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज गोइंग टू शो सिंपल काइंड ऑफ मूवमेंट, आपने वो लोग शो कर सकता है। राइट, आप जानते हो द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला, सीलिया भी आप करते हो यहाँ पे। टेंटिकल्स आर शोन इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, फ्लैजेला आपके मूव करते हैं, सीलिया आपके मूव करते हैं, वी नो ऑल दोस थिंग्स। आपके हाथ पर आप मूव कर सकते हो लिम्स को, जो हम बात करें यहाँ पे, ह्यूमंस कैन मूव देयर लिम्स, जॉज, आईलेट्स, टंग, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी मच मूवेबल ओवर हियर। राइट, सच अ मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ अ प्लेस और लोकेशन, सच वॉलंटरी मूवमेंट इज कॉल्ड एज माय लोकोमोशन। देखो आपको एक बात याद रखनी कि जब आप कोई ऐसी मूवमेंट करते हो जिससे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, समझो अगर अंशिका लाइक अक्षरा कहीं पे खड़ी है और अक्षरा एक जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे से लोकोमोशन। तो लोकोमोशन आपको याद रखना है ये वो टाइप का आपका मूवमेंट आपका रहेगा जहाँ पे आप अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हो। अगर मैं अभी यहाँ पे बैठा हूं, मैं अगर वहां पे जाके बैठ जाऊँ, सो दैट इज अ लोकोमोशन ओवर देयर। सो सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ लोकोमोशन। Locomotory organs are in paramecium cilia, hilum mein aapke hote tentacles, simple, right? So you can see over here locomotion movement aapke yahan pe kya hota hai, jo plant aapke bend kar rahe hain sunlight ki taraf, that's a movement, okay? So displacement of a part of a body or a part of a body from its original position, aapki body ka yahan pe ek certain part of aapka yahan pe displace ho raha hai, that's a movement. Locomotion bhi, you are moving from one place to another. Locomotion is a displacement of the body from one place to another. So aasan aasan terms aapke samne hai. अब मूवमेंट आपकी यहाँ पे होती है तीन टाइप की। सो सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एक होता है आपका यहाँ पे अमोबिडल, अमोबिडल मूवमेंट आपका शो करेगा आपका अमीबा। आप जानते हो अमीबा आपका सूडोपोडिया बना के आगे बढ़ता है। वी हैव सीन दिस थिंग इन द पास्ट एज वेल, आपका अमीबा यहाँ पे होता है। अमीबा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आपका कैसे जाता है, इट विल मूव वाया मेकिंग द सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया बना बना के वो आगे बढ़ेगा और अपना काम करता जाएगा, इट विल कीप ऑन ईटिंग द थिंग्स नियर बाय। सो दैट इज माई अमोबिडल मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपके सीलिया इन्वॉल्व होंगे। सो सिलेरी हम यहाँ पे देख लेते चलो। सो इट इज ब्रॉट बाय सूडोपोडिया। अमोबिडल मूवमेंट इज समथिंग व्हिच इज ब्रॉट बाय द सूडोपोडिया, व्हिच आर अपेंडेजेस व्हिच मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल। तो अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म आपका यहाँ पे मूव करता है, उसके साथ साथ आपके अमीबा की अपेंडेजेस भी आपके यहाँ पे मूव करेंगे। सो दैट इज माय अमोबिडल मूवमेंट। राइट, कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना, क्योंकि हम 11 का पढ़ रहे हैं। तो अगर लगे ना कि सर ये समझ नहीं आया, ये बता दो, देन प्लीज लेट मी नो दैट। देन वी हैव अ सिलरी और फ्लेजिलरी मूवमेंट। आप जानते हो सिलिया फ्लेजिला का इस्तेमाल करके आपके पैरामीशियम हो गया, ट्रिपैनो प्रोटोजोन्स हो गए, ट्रिपैनोजोमा हो गया, स्पर्म हो गया, दे कैन डू द मूवमेंट। सो इट इज ब्रॉट बाय अपेंडेजेस कॉल्ड एज माय सिलिया एंड फ्लेजिला एज वेल। यू कैन ऑल्सो फ्लेजिला इज डूइंग द मूवमेंट। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज सीन इन द लिम्फेटिक सिस्टम सेल्स। हम यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम सेल्स भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। बट आपको मेनली आपको याद रखना है कि अगर मैं सीलिया की बात करूँ ना, सीलिया आपको पैरामीशियम में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यू विल फाइंड फ्लैजेला की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फ्लैजेला आपको मिल जाता है आपके स्पर्म के अंदर, आपको मिल जाता है आपके जो यू हैव सम प्रोटोजोअन्स उनके अंदर आपको मिल जाएगा फ्लैजेला।
सो दैट इज समथिंग विच इज बीन यूज्ड फॉर द मोमेंट. आपका बैक एंड फ्रंट आपका यहाँ पे ये बीट करेगा, उससे आपकी मूवमेंट आप यहाँ पे हो जाती है. सो लोकोमोशन के लिए भी इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट माई मस्कुलर मूवमेंट. जब मैं मस्कुलर मूवमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ, सो इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट. इट इज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. हम सबके अंदर मसल्स होते हैं, दोस मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइट काइंड ऑफ मूवमेंट. इट इज मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट विच इज ब्रॉट अबाउट बाय मस्कोस्केलेटल सिस्टम. तो आपको याद रखना है कि आपके जो मसल्स होते हैं, द मसल्स यू हैव, दीज मसल्स आर अटैच विद योर स्केलेटल सिस्टम. दीज मसल्स आर बेसिकली अटैच टू योर स्केलेटल सिस्टम. ये बात तो आप काफी क्लियरली आप जानते हो कि आपके जो मसल्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे मसल्स आपके, आई वोंट से सारे बट मेनी ऑफ द मसल्स आर अटैच टू योर स्केलेटल सिस्टम. अब जब आपके मसल्स स्केलेटल सिस्टम अटैच है, तो उसके साथ आपकी मूवमेंट आपके यहाँ पे हो सकती है. दैट एक्चुअली हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन द हायर वर्टिब्रेट्स. सो याद रखना, योर मसल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी अटैच्ड विद स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, जब मेरे मसल्स यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके पैरों में देख लो, कहीं भी आप देख लो, दे एक्चुअली कलेक्टिवली हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आपकी मदद करते हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो मस्कुलर मूवमेंट की जब आप बात करोगे, तो याद रखना यू हैव नंबर ऑफ मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. नाउ मसल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो जब भी आपके सामने मसल टर्म आए, तो आपको याद रखना है दैट मसल आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच हैव अ मेसोडर्मल ओरिजिन. ये आपके ओरिजिन कहाँ से हुए थे? ये आपके ओरिजिन हुए थे आपके मेसोडर्म में से. अबाउट 40-50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स. इतना परसेंट वेट आपके जो बॉडी में है, वो मसल्स की वजह से आपका आया है. एंड मसल्स हैव सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज. क्या होती है वो प्रॉपर्टीज? दे शो द एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. एक्साइटेबिलिटी का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि दे कैन गेट एक्साइटेड लाइक अ न्यूरॉन्स. जैसे आपके न्यूरॉन्स होते हैं, दे कैन गेट एक्साइटेड जस्ट लाइक न्यूरॉन्स. दे कैन शो द एक्साइटेबिलिटी. आपने देखा होगा, आपने बच्चे ने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स आपके रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जाके दूसरे न्यूरॉन पे जाके लगता है, वो आपका नर्व इंपल्स जनरेट करता है ना. तो वैसे आपका यहाँ पे भी होता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर आके मसल को जाके ट्रिगर कर सकता है और फिर मसल अपना कॉन्ट्रेक्शन करेगा. सो याद रखना, सो एक्साइटेबिलिटी इज समथिंग यू फाइंड सीन इन माय मसल्स. दे शो कॉन्ट्रैक्टिलिटी. जो आप अभी आप हाथ का जो मूवमेंट आप कर पा रहे हो, तो क्या हो रहा है? बेसिकली आपके मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, इसलिए हम उनका हम यूज कर पाते हैं. सो कॉन्ट्रेक्शन जो आपका होता है मसल के अंदर, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टिलिटी. देन दे हैव अ एक्सटेंसिबिलिटी. ये अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं. हम लोग जानते हैं कि अगर हम ज्यादा वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, तो हमारे मसल्स ग्रो करेंगे. हमारे मसल्स ग्रो क्यों करते हैं? बिकॉज दे कैन एक्सटेंड, दे कैन शो अ प्रॉपर्टी ऑफ माई एक्सटेंसिबिलिटी. तो योर मसल्स कैन एक्चुअली इलांगेट, दे कैन इंक्रीज देयर साइज. दैट इज कॉल्ड एज माई एक्सटेंसिबिलिटी. एंड देन यू हैव द इलास्टिसिटी. दैट मीन्स इनको आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ सकते हैं. सो यू कैन एक्चुअली स्ट्रेच योर मसल्स एंड दे कैन अगेन कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन. तो इसे हम बोलते हैं आप एज अ इलास्टिसिटी. तो ये सारी मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी है विच आर सीन इन द मसल्स. सो एक ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी याद. दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग विच यू हैव टू. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, इनकी तरफ आप ध्यान देना. मसल्स को जनरली हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरी के अंदर. सो मसल्स आर जनरली डिवाइडेड थ्री कैटेगरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैटेगरी नंबर वन. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर स्केलेटल मसल. जो मसल आपके बॉडी में बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है, दैट इज माय स्केलेटल मसल्स. अब स्केलेटल मसल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, विच आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम. सो मसल्स आर गोइंग टू बी अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम. ये तो नाम से पता चल रहा है मुझे यहाँ पे. इन मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं. पहली चीज, दीज मसल्स आर वॉलेंटरी इन नेचर. They are voluntary in nature. जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे मसल्स वॉलेंटरी इन नेचर हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैं इनको अपने कॉन्शियस कंट्रोल से मूव कर सकता हूँ. मेरी फिंगर का मूवमेंट, मेरे आर्म का मूवमेंट जो मैं कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ. सो दैट इज वाई आई विल से दे आर वॉलेंटरी इन नेचर. इनको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मैंने बोलेंगे आप एज अ वॉलेंटरी इन नेचर. ठीक है. दे विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप. दे विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप. बोलो बेटा, बोलो.
सर वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि खुद से कंट्रोल करना, मतलब आप खुद से इन मसल्स को कंट्रोल कर सको। अगर मैं अपना यहाँ पे पैर मूव कर रहा हूँ, अगर आप अपना यहाँ पे हाथ मूव कर रहे हो, तो आपने खुद से मूव किया ना, दैट्स अ वॉलंटरी कंट्रोल। आपने वॉलंटरी खुद से आपने उसे कंट्रोल किया, तो उसे हम कहते हैं कि वो चीज आप कर सकते हो अपने स्केलेटल मसल्स के साथ। यू कैन एक्चुअली कंट्रोल देयर मूवमेंट, हाथ हिलाना, पैर मूव करना, किसी चीज को उठाना। सो यहाँ पे हम मसल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो ना, आप कॉन्शियसली आप कर रहे हो, दैट इज वी से दे आर वॉलंटरी इन नेचर। इनको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। देन स्केलेटल मसल्स आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर, दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। तो ये बात भी आपको रखनी है यार कि इनके अंदर आपको मल्टीपल न्यूक्लिया देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये जो मसल्स आपके यहाँ पे होते हैं, सिलेंड्रिकल मसल जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, दे विल हैव मल्टीपल न्यूक्लिया आपके यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टी यू हैव टू नो, ठीक है। देन आफ्टर दैट, योर स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी मसल्स विच हैज अ वेरी लाइक, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस मसल्स इन जनरल ना, ये मसल्स लाइक काफी स्ट्रांग होते हैं एंड बट स्टिल दे कैन अंडरगो फटीग। सो मतलब अगर आपने ये सुना होगा, अगर आप किसी मसल को ज्यादा इस्तेमाल करते हो देन वो फटीग हो जाता है। या आपने, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो पता है कई बार बैट्समैन दौड़ते दौड़ते हुए एकदम से जमीन पर बैठ जाता है पैर पकड़ के, एंड देन उसे क्रैम्प्स हो जाते हैं। क्रैम्प्स इज अ टर्म वी यूज ओवर देयर। सो यू शुड नो दैट योर मसल्स कैन, दिस स्केलेटल मसल्स कैन अंडरगो फटीग, कैन अंडरगो फटीग। अगर इनको आप ज्यादा यूज करोगे तो ये आपके लाइक दे कैन बिकम नॉन फंक्शनल लाइक फॉर अ वाइल, वो आपके लाइक थक सकते, दे गेट फटीग मतलब टायर्ड हो जाना। सो दे कैन अंडरगो फटीग, दैट मीन्स आप इन्हें ज्यादा फिर आप यहाँ पे यूज नहीं करवाओगे। इसलिए तो आप एक सर्टन टाइम तक दौड़ने के बाद आप रुक जाते हो, यू विल रन फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन यू विल स्टॉप रनिंग। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज योर मसल्स गेट्स फटीग। सो दैट इज वॉट यू हैव टू नो इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलती है स्केलेटल मसल्स के साथ, ठीक है। Right. So these are the few things, and along with that, one more thing you have to know, that these muscles show striation shown by these muscles. Striation मतलब आपको bending pattern आपको मिल जाएगा। अगर आप इन्हें observe करोगे ना, तो आपको एक bending pattern आपको मिल जाता है। When you observe these skeletal muscles, so what do you get to see over there? You'll find some band pattern will aapko milega yahan pe. Like agar aap observe karte hain, aapko banding pattern aapko milega wahan pe. Such banding pattern if you observe them in the muscle, na, that these muscles has to be a skeletal muscle. To agar aap inhe observe karoge to aise kuch aapko bands aapko milenge wahan pe. Inhe hum kehte hain yahan pe the striation. So striation aapko wahan pe dekhne ke liye mil jayega. To itni baatein aapko yahan pe yaad rakhni hai, that muscles are going to be voluntary in nature, cylindrical in shape, serrated muscles, and they are multi-nucleated. इनके अंदर आपको multiple nuclei आपको मिल जाएंगे. They can undergo fatigue and they will show striation in nature. They will show some banding pattern. जिन banding patterns को हम कहते हैं यहाँ पे the striation. इतनी बात आप यहाँ पे आ लगता है. This is one thing you have to know, right? अब एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो मुझे यहाँ पे आपको mention करनी थी, कि जब भी आप muscles की बात करते हो ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार muscles क्या store करते हैं, then muscles are known to store the glycogen. So muscles are known to store glycogen as a reserve food. तो ये बात भी आप याद रखना कि आपके जो मसल्स होते हैं, दे स्टोर ग्लाइकोजन एज अ रिजर्व फूड. दे स्टोर ग्लाइकोजन एज रिजर्व फूड. इसका मतलब आपको यहाँ पे ये होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन आप कहाँ का स्टोर करते हो, तो आपका दो आंसर यहाँ पे होगा, एक तो मसल्स और दूसरा आपका यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे लीवर. सो लीवर और मसल्स के अंदर हम ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट ग्लाइकोजन और लीवर, लाइक ग्लाइकोजन को हम स्टोर करते हैं लीवर और मसल्स के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, दैट इज वॉट मसल्स आर नोन फॉर, ठीक है. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद इन टर्म्स ऑफ माई स्केलेटल मसल, और इन्हें हम कॉन्शियसली हमेशा यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज देम वेरी कॉन्शियसली. ऑलराइट, आफ्टर दिस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई स्मूथ मसल. हमने हमारे यहाँ पे स्केलेटल मसल यहाँ पे देख लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्मूथ मसल. अब स्मूथ मसल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, दैट दीज मसल्स आर गोइंग टू बी इनवॉलेंट्री इन नेचर.
इनवॉलेंटरी इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं. एग्जाम्पल यू कैन हैव समथिंग लाइक योर मसल्स ऑफ योर इंटेस्टाइन, मसल्स ऑफ योर स्टमक, मसल्स ऑफ योर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक. अब ये जो आपके यहाँ पे मसल्स हैं, यहाँ पे जितने भी आपको मसल, इवन द मसल्स इन द ब्लड वेसल्स, ये सारे मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. याद रखना, द मसल्स विच आई हैव मेंशनड ओवर हियर, इंटेस्टाइन में जो आपको मसल मिलेगा, स्टमक में आपको जो मिलेगा, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में आपको जो मिलेगा, दीज मसल्स आर द मसल्स जिनको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सो दे विल कॉन्ट्रैक्ट बाय देमसेल्फ. इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज इनवॉलेंटरी मसल. सिंपल सी बात है बेटा, जब आप खाना खाते हो, खाना पेट में चला गया, फिर थोड़ी आप ऐसे कॉन्शियसली बोलते हो कि आप पेट में से खाना नीचे जाएगा, यू डोंट टेल दैट ना, अपने आप होता है वो, अपने आप आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल वहां पे, एंड देन द स्लोली द फूड विल मूव फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज माय इनवॉलेंटरी नेचर. वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करके आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है. देन अगर हम इनके शेप की बात करें, सो दे आर गोइंग टू बी स्पिंडल शेप. ये जो मसल आप मिलेंगे यहाँ पे, दे विल बी अ स्पिंडल शेप. These muscles over there are going to be spindle shape. So these muscles over there are going to be spindle shaped, and in cancer you will only find single nuclei. So spindle shape aapke hote hain, and they are going to be uninucleated. सिंगल न्यूक्लियाई आपको मिलेगा, सो याद रखना दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लियेटेड. सिंगल न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल जाता है. स्ट्रेटिएशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई बैंडिंग पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं. सो स्ट्रेटिएशन इज नॉट सीन. सो कोई टाइप का स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे, बैंडिंग पैटर्न आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको नहीं मिलता, राइट. दे डू नॉट अंडरगो फटीक, तो इतना इनका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है कि फटीक करे. सो याद रखना they will not undergo fatigue. तो ये थकते नहीं है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the few traits you have to know in terms of smooth muscle. Spindle shape आपके होते हैं, uninucleated आपके होते हैं, striation आपके यहाँ पे मिलेगा नहीं. आपके ये मसल्स आपको मिल जाएंगे आपके intestines, stomach, urogenital tract और भी कई सारे locations पे आपको मिल जाएंगे, like blood vessels will also have these muscles. And they are my involuntary nature. इनको मैं consciously मैंने move नहीं कर सकता. So these are called as my smooth muscles. तो ये एक और term आपको यहाँ पे रखना है यार. कोई भी चीज अगर समझ ना आए या कोई दिक्कत आ रही हो, then please पूछ लेना. So this is called as my smooth muscles over here. Now after this, let's talk about my last type of muscle, and that is your cardiac muscle. That is also included in smooth muscles. नहीं बेटा, उसको हम cardiac muscle की तरह अलग ही count करते हैं. We will consider them as a cardiac muscles. So then we have a cardiac muscles. अब जब मैं यहाँ पे cardiac muscles की यहाँ पे बात करूंगा, तो इनमें भी कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. That first of all they will show the what you call it as a cylindrical in shape. They are my cylindrical in shape. That's one thing you have to know. ठीक है. They can show the striation. तो यहाँ पे आपको striation या bending pattern आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So they are known to show the striation. So striation is seen. So striation आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. Cylindrical in shape ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So these are the two things you have to very clearly remember. कि आपका ये shape इसका यहाँ पे कैसा होता है, और आपको यहाँ पे bending pattern आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. That's one thing you have to know, right? Again, they are going to be involuntary in nature. They are going to be involuntary in nature. तो इनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इन मसल्स को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते. और आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि कार्डिक मसल की बात की जा रही है. सो दीज आर द मसल्स ऑफ माई हार्ट. ये है मेरे मसल. हाँ जी, ये मेरे मसल यहाँ पे हार्ट के हैं. दीज आर द मसल्स ऑफ माई हार्ट. राइट. नाउ दीज मसल्स गेट टू सी ए काफी यूनिक आपको बैंड यहाँ पे आपको मिलता है. So, अगर समझे मेरा यहाँ पे कार्डियक मसल है, इफ यू हैव दिस इज माय कार्डियक मसल,
then you will find some unique banding pattern you can see in them, and that unique banding pattern here can be called as my intercalated disc. Banding, आपको ऐसे band आपको लेंगे बीच बीच में, and those band over there are called as my intercalated disc. So ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो banding pattern आपको यहाँ पे जो मिलते हैं, you can see a very like prominent some bands will be seen over there, and those bands over there are called as my intercalated disc. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know, right? एक और बात याद रखना, दैट इफ दिस मसल्स डाई दे कैन नॉट रीजनरेट. अगर इन मसल्स को कुछ हो गया, अगर आपके कार्डिक मसल को कोई डेथ हो गई वहां पे किसी रीजन से, कई बार होता क्या आफ्टर अ हार्ट अटैक सर्टन कार्डिक मसल डाई, राइट? सो दे कैन नॉट रीजनरेट. एक बार वो गए तो गए, ठीक है? याद रखना, दे कैन नॉट रीजनरेट. रीजनरेट तो इसलिए होता क्या है ना, अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आए तो बहुत लाइकली चांस है कि उसे वापस हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि आफ्टर हार्ट अटैक इफ अज्यूम दैट कि उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ आपके कार्डिक मसल उसकी डेथ हो गई. सो द पॉसिबिलिटी सर शॉक से रीजनरेट कर सकते हैं. नहीं बेटा, शॉक से आप हार्ट को रिवाइव कर सकते हो, मसल्स को रीजनरेट नहीं कर सकते. सो बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर आपके कार्डिक मसल अगर आपके खत्म हो गए कुछ दो चार लाइक सम अमाउंट 10% कार्डिक मसल अगर आपके हार्ट के दे डाए, देन आपके हार्ट की एफिशिएंसी वीक हो जाएगी, आपके हार्ट की काम करने की एफिशिएंसी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है? और जो शॉक से आप रिवाइव करते हो ना हार्ट को, उसमें आप हार्ट को रिवाइव करते हो, मसल्स को नहीं. तो आप ये समझो कि अब हार्ट आपका काम कर रहा है विद 75% वर्किंग के साथ, वो अपना काम कर रहा है. दैट एक्चुअली हैपेंस. सो यू शुड नो दैट दे कैन नॉट रीजनरेट ओवर हियर. सो याद रखना, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप. स्ट्रिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं देखने के लिए. दे विल बी इनवॉलंटरी इन नेचर, कैन नॉट रीजनरेट. यू विल फाइंड अ प्रेजेंस ऑफ अ इंटरकैलेटेड डिस्क इन देम. तो इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है, एंड दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग इन देम, एंड दे आर गोइंग टू बी ब्रांच्ड. यहां पे आपको ब्रांचिंग आपको मिलेगा. सो दे आर गोइंग टू बी ब्रांच्ड. सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ब्रांच्ड. इतनी चीजें आप यहां पर रखेंगे याद इन टर्म्स ऑफ माय कार्डियक मसल. सो कार्डियक मसल आपको यहां पर रखनी है याद. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. यू कैन हैव अ कार्डियक मसल्स, यू कैन हैव स्केलेटल मसल्स, एंड यू हैव योर स्मूथ मसल्स. सो ये आपके हो गए तीन टाइप के मसल, और इतनी इन्फॉर्मेशन पहले आपको याद रखनी है. अब ये चैप्टर हम जब रन करते हैं, वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल आपका कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट इज समथिंग वी विल बी फोकसिंग ऑन, एंड वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे और सीखेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ. वन मोर थिंग आई वुड टेल यू हियर इज दिस वन मोर थिंग. अगर मैं बात करता हूँ मेरे स्केलेटल सॉरी स्मूथ मसल के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट माय स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, इफ आई टॉक अबाउट योर स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. अब दोनों के दोनों में कॉमन ये कि दोनों आपके होंगे यहाँ पे इनवॉलेंट्री, खुद से काम कर रहे होते हैं. सो राइट, दैट गोइंग टू बी इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल एंड योर कार्डियक मसल. तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि बोथ दिस मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बोथ दिस मसल्स ओवर देयर आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो सारी चीजें कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. बेसिकली इट विल कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. आपके पेट में जो भी आपका मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होता है, वो उसे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. आपके हार्ट का भी अगर आपका कॉन्ट्रेक्शन अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है, उसको भी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा. याद रखना, आपके ब्रेन के अंदर यू हैव लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन यू हैव अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो उसमें एक आपका कंपोनेंट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये आपका वो सिंपल आप याद रखो, ये आपका वो नर्वस सिस्टम है जो आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट का काम करना, किडनी का फंक्शन करना, मसल का इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्ट करना, एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. तो ये दोनों मसल्स उसके अंदर आते हैं. तो फिर हमारा ये किसके अंदर आता है, हमारा स्केलेटल मसल किसके अंदर आएगा यहाँ पे? तो स्केलेटल मसल को यहाँ पे कंट्रोल करता है हमारा यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम. स्केलेटल मसल को मैंने यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज बीन कंट्रोल बाय माय सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम.
तो स्लाइडिंग डोर सिस्टम जो आपको यहाँ पे होता है ना, दैट इज द वन विच एक्चुअली कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज. तो अगर मैं अपना यहाँ पे हैंड मूव कर रहा हूँ तो जो ब्रेन से सिग्नल आया ना, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो ये बात भी आप यहाँ पे ऐड लेना, ठीक है. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद, और ये सब आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. तो अगर आपसे बोलूँ कि एक मेरे पास मसल है और उसके अंदर मुझे स्ट्रेटेशन मिल रहा है, तो दैट मीन्स इधर इट इज अ स्केलेटल मसल और इट कैन बी अ योर दिस थिंग कार्डियक मसल. हाँ जी, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक मसल है जिसके अंदर आपको दिख रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क, तो आंखें बंद करके बोल दो इट इज माई कार्डियक मसल. हाँ जी, वही होते हैं जिसके अंदर आपको इंटरकैलेटेड डिस्क आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है. स्केलेटल मसल आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट. बिल्कुल, स्केलेटल मसल आपके स्केलेटल कंपोनेंट के साथ यहाँ पे आपके अटैच्ड होंगे ऑफ द बॉडी. दे हैव अ स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस कॉल्ड एज माय स्ट्रिएटेड मसल. तो इसको भी बोलते हैं आप एज अ स्ट्रिएटेड मसल, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. एज द एक्टिविटीज आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे आर ऑल्सो नोन एज माई वॉलेंट्री मसल्स टू, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट, दीज आर माई स्मूथ मसल्स. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, located on the inner wall of the body like elementary canal, repetitive tract, they do not exhibit any striation. यहाँ पे आपको कोई striation देखने के लिए नहीं मिलना. They are smooth in appearance, also known as my non-striated muscle. इनको भी बन कह सकते हैं as a non-striated muscle. Their activities are not under the voluntary control of the nervous system and hence therefore they are known as my involuntary muscles. तो इनको हम control नहीं करते हैं, खुद से contract करते हैं लोग. Cardiac muscles are the muscles of the heart. Many cardiac muscles assemble in the branching pattern to form the cardiac muscle. Based on their appearance, cardiac muscles are striated and they are also involuntary in nature. So, इतनी चीजें रखनी है आपको यहाँ पे याद. These are the few things you have to know. चलो, तो हमने यहाँ पे कर लिया. अब यहाँ पे एक और चीज आप देख लेते हैं. Voluntary muscles are long, multinucleated, containing the sarcomere. ये हम बाद में देखेंगे. Arranged into bundles. They play an important role in allowing the body to move. By contracting and relaxing their action. So, in case aapki body aapki move kar paati hai, aap location kar paate ho, that's what all happens. These voluntary muscles are skeletal muscles. Involuntary mein aapke yahan pe kya aa jayega? You have a smooth muscles and cardiac muscles are the involuntary one. Dekho yahan pe kya likha hua hai. Involuntary muscles are striated and non-striated. Acha, striated and branched in case of my cardiac muscles. So, aapke cardiac ke andar aapko ye aapko striation aapko mil jayega. The action of involuntary muscles are mainly controlled by the ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो मैं आपको बता रहा था. दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है. चलो, ओके, नाउ लेट मी डू वन थिंग. अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपके मसल आपका बेसिकली आपके यहाँ पे दिखता क्या है. लेट मी जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर ओवर हियर. सो अज्यूम करते हैं कि एक बड़ा सा आपका यहाँ पे मसल है. सो अज्यूम दैट दिस इज अ बिग मसल इन फ्रंट ऑफ यू. Right, so this is going to be a big muscle. अब ये जो मेरा यहाँ पे मसल है, this complete muscle over here, इस मसल के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? So if I observe this, समझो मैंने अपने शोल्डर में से एक बड़ा सा मसल निकाल के बाहर रख दिया. तो जो मसल मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के रख दिया है, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? So inside them, I will find large number of muscle bundle. मुझे इसके अंदर मिलेंगे मेरे यहाँ पे कई सारे muscle bundle. ठीक है. So within the muscle, I will have a presence of a number of muscle bundle. तो ये जो येलो येलो करके जो structures वहाँ पे लगे हुए हैं, they are called as my muscle bundle. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन muscle bundle को बाहर निकालता हूँ. मुझे इनको देखना है कि इनके अंदर क्या है. So I will take out this muscle bundle. तो इनको खींच के मैं बाहर निकालूंगा. So I will take out this muscle bundle. और जब मैं इन muscle bundle को बाहर निकालता हूँ ऑब्जर्व करने के लिए, तो वायन करो कि यहाँ पे कई सारे अंदर मसल बंडल लगे हुए थे आपके लंबे स्ट्रॉ की तरह, उनको मैंने एक को खींच के बाहर निकाला. तो जब मैंने मसल बंडल को बाहर निकाला, तो उसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है? इनसाइड देम आई एम फाइंडिंग सम मोर स्ट्रक्चर्स एंड दोस स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट माय मसल फाइबर. इनके अंदर मुझे और स्ट्रॉ जैसे कई सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिलेंगे. एंड दीज आर कॉल्ड एज माय मसल फाइबर. आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ मसल फाइबर. अब मसल फाइबर इज इक्वल टू muscle cell, is equal to your muscle cell. Muscle fiber के लिए तुम muscle cell भी बोल सकते हो, ठीक है. याद रखना, मैंने muscle bundle को बाहर निकाला और उसमें मैंने जो observe किया था, उसमें तो कई सारे मेरे वहाँ पे muscle fiber लगे हुए थे. Muscle fiber are nothing but my muscle cell. अब अगर ये मेरा muscle का cell है, तो आप एक बात जानते हो कि अगर आपका कोई cell होता है
तो सेल के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू नो दैट इफ यू टॉक अबाउट अ सेल, चाहे कोई भी सेल हो, सेल विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मसल फाइबर पे आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा इज इक्विवेलेंट टू योर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी उसे हम बोलेंगे यहाँ पे सर सार्कोलेमा, ये बता रखना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे बना दी, ये हमारा एक सेल है, तो इस सेल के अंदर भी आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। इनसाइड द सेल यू विल फाइंड फ्यू थिंग्स। तो इस सेल के अंदर जब आप देखोगे तो जो फ्री स्पेस होता है सेल के अंदर, जो फ्री स्पेस होता है सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, द फ्री स्पेस इनसाइड द सेल विल बी कॉल्ड एज माय साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे हम एक अलग टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, द टर्म इज गोइंग टू बी योर सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म इज इक्वल टू योर साइटोप्लाज्म। अब पहले ये बताओ क्या इतनी बात है आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो दैट यू। ठीक है, देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं। मसल था हमारा सा बड़ा सा, मसल के अंदर हमारे यहाँ पे थे आपके यहाँ पे मसल बंडल, राइट? एंड देन इन दैट मसल बंडल यू विल फाइंड, आपने मसल बंडल को यहाँ पे बाहर निकाला, एंड इन दैट मसल बंडल यू आर फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर इज बीन सीन। कई सारे आपको मसल फाइबर उसमें आपको दिख रहे हैं। मसल फाइबर इज इक्वल टू योर मसल सेल, सिंपल सी बात है। अगर मसल फाइबर है तो उसको मसल सेल भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे सेल है तो इसके अंदर होगी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा, एंड इनसाइड यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म, जिसको हम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू योर साइटोप्लाज्म। तो एक बार फिर आपको यहाँ पे काम करता हूँ मैं, आपको वो चीज आपको यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ। सो अज्यूम करो कि ये मैं है मेरा यहाँ पे, ये है मेरे यहाँ पे मसल फाइबर, दिस इज माय मसल फाइबर। कोई चीज अगर समझ ना आए देन पूछ लेना, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ होता है तो द आउटर मेम्ब्रेन, सो दिस इज माय मसल फाइबर ओवर हियर, द आउटर मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे होगी, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा, राइट? वो जो बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म। जो बीच में आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोलेंगे यहाँ पे ऐसा, सार्कोप्लाज्म। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब होता क्या है कि जब आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस ना, सेंटर में आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे कई सारे और बंडल्स, आपको सेंटर में और भी आपको चीज यहाँ पे दिख जाएगी। सो आपको और थोड़ा लगेगा कि अरे ये कितना अंदर जा रहे हैं हम लोग। सो मसल फाइबर के अंदर भी आपके कई सारे आपको यहाँ पे ऐसे आपके स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखते लगे हुए मसल फाइबर के अंदर, इनको जब आप बाहर निकालोगे, सो व्हेन यू टेक देम आउट, दीज आर माय मायोफाइब्रिल्स, इनको हम बोलते हैं आप ऐसा मायोफाइब्रिल्स। अब याद रखना मायोफाइब्रिल्स के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। सो दीज आर माय मायोफाइब्रिल्स, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व देम, ये जो मेरे यहाँ पे हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज माय मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स आर द वन जो आपको मिलेंगे यहाँ पे मसल फाइबर के अंदर। सो मायोफाइब्रिल्स आर द वन व्हिच यू विल फाइंड इन द मसल फाइबर के अंदर, ठीक है? ऐसे आप मायोफाइब्रिल को निकाल के ऑब्जर्व करना चालू करते हो ना, व्हाट यू गेट टू सी, यहाँ पे आपको स्ट्रिएशन देखने के लिए आपको मिलेगा। सो हियर व्हाट यू विल सी कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपको बैंडिंग आपको दिखने लगेगी। सो दिस इज अ पॉइंट जहां पे बैंडिंग आपको क्लियरली आपके यहाँ पे दिख जाती है। तो ये बात याद रखना। सो यू हैव टू नो वेरी क्लियरली कि हम कहां से कहां पे जा रहे हैं। सो नाउ लेट मी शो यू अ पिक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये है मेरा यहाँ पे पूरा मसल, ठीक है? मेरा यहाँ पे पूरा पूरा मसल है मेरा यहाँ पे, आपने पूरा मसल यहाँ पे अपना निकाल लिया। इस मसल के अंदर आई विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ मसल बंडल। तो ये जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो हमने बाहर निकाला है खींच के, ये जो हम निकाला यहाँ पे, दैट इज माय मसल बंडल। मसल बंडल को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ फैसिकल। सो मसल बंडल को हम इवन बोलेंगे एज अ फैसिकल। तो ये है मेरे यहाँ पे मसल बंडल, दिस इज माय मसल बंडल, ओके। अब मसल बंडल के अंदर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर आपको मिलेंगे कई सारे आपके यहाँ पे मसल फाइबर। तो देखो यहाँ पे कई सारे मसल फाइबर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मसल फाइबर को यहाँ पे बाहर निकाला, और जैसे मैंने मसल फाइबर को यहाँ पे बाहर निकाला तो मुझे दिखा उसके अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे यहाँ पे मायोफाइब्रिल, विद इन देम आई विल फाइंड अ प्रिंस ऑफ द मायोफाइब्रिल, राइट? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और मसल फाइबर जो है आपका या मसल सेल है, उसके पास पास आपको मिलेगा आपका सार्कोलेमा,
उसी के साथ यू विल ऑल्सो हैव व्हाट यू कॉल इट एज अ सार्कोप्लाज्म. इतनी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी इसके अंदर, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू नो इन दिस. राइट, क्या इतनी बात है? बता दो मुझे यहाँ पे, आई होप ये सब बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है. कोई भी दिक्कत? तो नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज ना दैट ये जो आपने पूरा मसल बाहर निकाला था कहीं से खींच के, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम. उसके आउटर लेयर को बोलते हैं आप ऐसे एपिमाइसियम. राइट, देन आपके जो मसल बंडल होते हैं, जो मसल बंडल होते हैं जिन्हें हम फेसिकल कहते हैं, फेसिकल के आसपास भी आपको एक लेयर मिलती है, एंड दैट लेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माई पेरिमाइसियम. तो ये जो लेयर्स होती है आउटर कवरिंग जो होती है ना, उनको बस आपको यहाँ पे नाम याद रखना है. एपिमाइसियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कंप्लीट मसल. पूरे मसल की जो आउटर कवरिंग होगी आपके यहाँ पे, दैट इज माई एपिमाइसियम. फिर मेरे मसल बंडल की आसपास की जो आउटर कवरिंग आपके यहाँ पे होगी, दैट इज कॉल्ड एज माई पेरिमाइसियम. एंड देन उसके बाद क्या होगा कि जब मैं अपने यहाँ पे निकालूंगा, व्हेन आई विल टेक आउट माई मसल फाइबर ओवर हियर, तो मसल फाइबर के आसपास की जो कवरिंग यहाँ पे होती है एंडोमाइसियम. राइट, ये सिर्फ लेबलिंग्स हैं विच यू हैव टू नो ओवर हियर. बस आपकी लेबलिंग्स है, यहाँ पे हम देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. एपिमाइसियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द एंटायर मसल के आसपास जो आपको यहाँ पे लेयर मिलती है, दैट इज योर एपिमाइसियम. पेरिमाइसियम आपके यहाँ पे क्या होता है, द मिडिल लेयर सराउंडिंग द बंडल ऑफ द मसल फाइबर. राइट, ये होता है मेरे यहाँ पे पेरिमाइसियम. दिस इज मिडिल लेयर सराउंडिंग द, सो मसल जो मसल बंडल जो आपका होता है ना, आपका मसल बंडल उसके आसपास की जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड माय पेरिमाइसियम. ओके, इट अलाउज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स टू मेक देयर वे टुवर्ड्स द मसल. इनके थ्रू क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स आके मसल तक पहुंच रहे होते हैं. एंड देन यू हैव एंडोमाइसियम, द इनरमोस्ट लेयर सराउंडिंग द ईच मसल फाइबर. जो मसल फाइबर के आसपास जो आपको लेयर मिलती है, दैट इज कॉल्ड माय एंडोमाइसियम. तो इतनी बातें पहले आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. अगर आपको ये सब समझ आता है, देन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी आसानी आपके लिए हो जाएगी. चलिए, नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस स्टेटमेंट. इन स्टेटमेंट्स को हम एक बार देख लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. स्केलेटल मसल्स आर सीरीज ऑफ मसल फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स विच आर लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. जो मैं बता चुका हूँ आपको, स्केलेटल मसल्स आर सिलिंड्रिकल शेप्ड ब्रांच सेल्स अटैच टू द बोन्स बाय एन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड एज माई कोलेजन और कोलेजन फाइबर कॉल्ड एज माई टेंडन. अगर आपसे कोई पूछे कि आपके मसल्स आपके बोन्स से कैसे अटैच है, सो दैट आंसर इज गोइंग टू बी योर टेंडन्स. टेंडन्स के जैसे आपके मसल्स आपके बोन के साथ अटैच हैं. राइट, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका बोन टू बोन अटैचमेंट आपका क्या होता है, देन आपका आंसर वहां पे आता है आपका कार्टिलेज. आपके दो बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज. आपके मसल आपके बोन्स के साथ कैसे अटैच होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द टेंडन्स. ये बात आप याद रख लो. टेंडन्स कनेक्ट्स द मसल टू बिकम टू द बोन एंड कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द कोलेजेनियस द आउटर कवरिंग ऑफ द स्केलेटल मसल. ये इतना रेलेवेंट है नहीं, बट ये बात आप यहाँ पे याद रखना. देयर इज अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट बिलो द एपिमाइसियम विच आर कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉल्ड माय फेसिकल्स. फेसिकल जब टर्म आए तो आपके दिमाग में एक टर्म तुरंत आना चाहिए, दैट इज माय मसल बंडल. दैट इज गोइंग टू बी योर मसल बंडल. आपके दिमाग में ये टर्म आना चाहिए. द मसल फाइबर आर सराउंडेड बाय अनदर प्रोटेक्टिव शील्ड फ्रॉम कोलेजन नोन एज माय फेसिका. राइट, दैट इज नथिंग बट माय एंडोमाइसियम. ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, समथिंग वी नो दैट. तो ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब हम ऑलरेडी यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, ऐसे एक दो पिक्चर और यहाँ पे लगा के रखी हुई, आप रात को आराम से सोने के पहले ये सब देख सकते हो. नाउ लेट्स ट्राई टू गेट इनटू डिटेल ऑफ फ्यू थिंग्स. अब मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ, इफ आई एंटर इनसाइड योर मायोफाइब्रिल्स, मैं पहुंच चुका हूँ मेरे मायोफाइब्रिल तक. सो आई हैव रीच्ड इनसाइड द मायोफाइब्रिल, है ना. सो मायोफाइब्रिल तक मेरी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है. अब जैसे मैं यहाँ पे माया फैब्रिल्स को ऑब्जर्व करने लगता हूँ ना, एज सून एज आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग द माया फैब्रिल्स, मुझे कुछ डिस्टिंक्ट चीजें मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, विद इन द माया फैब्रिल यू विल हैव सम जेड लाइन्स, सम लाइन्स विल बी सीन ओवर. ऐसे कुछ आपको लाइन्स आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. तो जब आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे होगे ना, मार्क्स को भी नीचे, सो यू विल फाइंड सच लाइन्स विल बी सीन इन द माया फैब्रिल. अब ये जो आपको वर्टिकल लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेड लाइन. वी कॉल देम एज अ जेड लाइन, जेड लाइन. तो ये भी जेड लाइन है मेरे यहाँ पे, ये भी मेरे जेड लाइन है. अब दो जेड लाइन के बीच में आपको जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है, द टू थिंग्स, द वॉट एवर यू फाइंड बिटवीन द टू जेड लाइन, दैट स्ट्रक्चर और दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोमियर. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सार्कोमियर. अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट आपके मसल का कौन सा है, देन आपका आंसर यहाँ पे आपका होगा सार्कोमियर. सो बेसिक यूनिट ऑफ द मसल
योर फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सार्कोमियर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार बताओ सार्कोमियर कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, आप मायोफाइबल को बाहर निकालोगे और आप देखोगे अपने जेड लाइंस को, दो जेड लाइन के बीच में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे सार्कोमियर. सो बिटवीन द टू जेड लाइंस यू विल फाइंड सार्कोमियर विल बी सीन. तो जैसे आपके यहाँ पे दो जेड लाइन हो गई, यू ऑल्सो हैव टू जेड लाइन ओवर हियर, ये भी मेरे यहाँ पे जेड लाइन है, दिस इज ऑल्सो जेड लाइन. तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा आपको यहाँ पे सार्कोमियर. सो ओवर हियर ऑल्सो यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ सार्कोमियर. क्या तो जब भी आपको सार्कोमियर ढूंढना पड़े, आपको बस दो जेड लाइन को देखना है, उनके बीच में जो भी आपको मिलेगा दैट इज माय सार्कोमियर, राइट. अब मायोफाइब्रिल के अंदर आपको क्या मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन आई विल गेट टू सी. देखो एक बात तुमने यहाँ पे बात की है दैट मायोफाइब्रिल के अंदर आपको मिलेगी आपके यहाँ पे बैंडिंग. सो बैंडिंग आपको यहाँ पे दिख जाती है, लाइक योर स्ट्रिएशन विल बी सीन ओवर देयर. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाते हैं, लाइक यू विल हैव सम प्रोटीन यहाँ पे भी आपको लगेगा, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. सो यू विल हैव सम प्रोटीन अटैच्ड ओवर हियर, ठीक है. तो कुछ ऐसे प्रोटीन आपके यहाँ पे लगे होंगे, ऐसे हवा में नहीं लगे हुए, यू हैव सम कनेक्टिंग प्रोटीन जो इन्हें कनेक्ट करेगा जेड लाइन के साथ, ऐसे हवा में अटके हुए नहीं होंगे, दे आर अटैच्ड टू द जेड लाइन. Then you have some other protein as well. You will have some other protein over here, which will be seen. So, काफी अलग-अलग टाइप के आपको प्रोटीन आपको मिल जाएंगे. So, you will get to see all this kind of arrangement will be seen over there. इसको हम बाद में आराम से डिटेल में देखते हैं. That what are these arrangement over there? Okay. आपको इतना याद रखना है कि आपके मायोफाइब्रिल के अंदर आपको दो आपके बहुत important protein आपको यहाँ पे मिलते हैं. One is going to be called as your myosin. एक आपको मिलेगा आपके यहाँ पे myosin. और दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे एक्टिन. तो एक्टिन एंड मायोसिन आर द टू प्रोटीन्स जो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली अच्छे से आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. एंड दीज आर माय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बेसिकली इनकी वजह से आपका कॉन्ट्रेक्शन होगा. सो दिस मायोसिन एंड एक्टिन आर गोइंग टू बी माय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. सो दीज आर गोइंग टू बी माय कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. देखो एक बात आप यहाँ पे याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी काम होगा. और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए अगर आपसे पूछे कि आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका मायोसिन एंड एक्टिन. सो लेट मी शो यू इन द पिक्चर ओवर हियर. सो नाउ यू कैन सी इन दिस यू हैव, आप इसके तरफ पिक्चर की तरफ यहाँ पे ध्यान दो. यू कैन सी द टू जेड लाइन, जेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है. जेड लाइन के बीच में आपको जो एरिया आपको मिल जाए दैट इज मेड यू कॉल्ड एज माय सार्कोमियर, जो आपको यहाँ पे लेबल किया हुआ है. दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय सार्कोमियर. सार्कोमियर को आप ऐसे यहाँ पे ढूंढते हो. Then आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू हैव लेबल्ड एज समथिंग एज द थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट. जो थिक फिलामेंट आपका यहाँ पे है, दिस थिक फिलामेंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मायोसिन. और जो थिन फिलामेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लाइट रेड कलर का, दिस थिन फिलामेंट दिस वन दिस इज कॉल्ड एज योर एक्टिन. So you have your myosin and you have your actin over here. Okay. So myosin and actin आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So these are the two things you will get to see within the sarcomere. So sarcomere के बीच में आपको ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी काफी क्लियरली, राइट. तो ऐसे आपको बैंड आपको दिखते, ध्यान रखना myosin is also called as my thick filament and your actin is called as my thin filament. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. Each muscle cell certainly consists of distinct region when an individual view it under the microscope. The distinctive region is called as my sarcomere. वो तो हमने यहाँ पे देख लिया. एक काम करता हूँ मैं आपको और एक दो पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए. So have a look at this again over here. Z line आप ढूंढोगे. जब भी आपको sarcomere, जब भी आपको myofibril दिखेगा, you will look for the Z line. आपको यहाँ पे Z line आपको यहाँ पे दिख जाएगी. You have a Z line over here and you have a Z line over here. इसके बीच में जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, that is my sarcomere, right? You can see a thin filament, that is my actin. You can see a thick filament, that is my myosin. ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. M line, Z line हम लोग बाद में देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. ये पिक्चर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैग्नीफाई करके, एक बार फिर यहाँ पे देख लो. सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज माय सार्कोमियर. ये पिंक वाला जो एरिया आपका यहाँ पे है, दिस इज माय Z line, दिस इज योर Z line. अब आपको आप बोलोगे कि सर ये Z line क्या है, बार बार आप दिखा रहे हो. इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन. ये एक प्रोटीन होता है आपके यहाँ पे, राइट. दैट इज वन प्रोटीन, वी कॉल इट एज अ Z line. एंड यू कैन सी ओवर हियर माय myosin and actin. तो ये जो red red है ना बीच में, this red part over here is going to be called as my myosin. myosin मतलब मेरा यहाँ पे thick filament. और जो blue color का part जो मेरा यहाँ पे है, the blue color का part over here, that is going to be called as my actin.
इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एक्टिन। इतनी बातें याद रखनी, और याद रखना जब आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा तब आपके यहाँ पे काफी सारी चीजें आपके यहाँ पे चेंज होंगी। सो दिस इज वन थिंग, आप सीन इतनी चीज आपने यहाँ पे देख ली। पहले अब मुझे ये बताओ पहले तो कि आपको थिक थिन फिलामेंट अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना क्या होता है वो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। जी जी बताइए बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए सर। प्रीवियस स्लाइड एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ ये वाली ना, ये वाली राइट। तो इसमें बेटा यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि आपका यहाँ पे हम सार्कोमेर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका ये जो पिंक कलर का जो आपका यहाँ पे बैंड है ना, दिस इज माय जेड लाइन, दिस इज गोइंग टू बी योर जेड लाइन ओवर हियर। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेड लाइन हमारी, राइट? यू कैन सी अ जेड लाइन ओवर हियर, यू कैन सी अ जेड लाइन ओवर हियर, तो यू कैन सी द टू जेड लाइन, उसके बीच में आपका यहाँ पे आ रहा है आपका सार्कोमेर। उसके बाद ये जो रेड कलर का जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, रेड कलर का जो प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट रेड कलर का प्रोटीन जो आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मायोसिन। दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर मायोसिन, राइट? और जो येलो ब्लू कलर का जो प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा जो पतला है, दैट प्रोटीन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय एक्टिन। हाँ जी, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज एक्टिन। सो आपको याद रखना है एक्टिन है मेरे यहाँ पे थिन फिलामेंट, एंड मायोसिन मेरा यहाँ पे आपका थिक फिलामेंट। दिस इज माय थिक फिलामेंट, ठीक है? तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया, यू कैन सी द थिक एंड थिक फिलामेंट ओवर हियर। एक बार फिर आप इस पिक्चर पे आप देखो, अब मैं पिक्चर पे तरफ आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ, इसमें आप और भी लेबलिंग्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जहाँ पे आपका जो बीच में जो एरिया है ना, जहाँ पे आपका जो एक्टिन है यहाँ पे आपका नहीं है, जहाँ पे आपका एक्टिन आपका बीच में नहीं है, सो यू हैव द फ्री स्पेस इन बिटवीन, जहाँ पे आपको सिर्फ आपका मायोसिन दिख रहा है बट आपका एक्टिन आपका बीच में नहीं आ रहा, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माई एच जोन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एच जोन, वी कॉल्ड एज एच जोन। अब एच जोन जो आपका यहाँ पे है ना, जो आपका फ्री स्पेस है, या मैं कहूंगा एक मेरा वो स्पेस है जहां मुझे एक्टिन नहीं दिख रहा, सिर्फ मायोसिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस एच जोन विल वैनिश। ये आपका गायब होगा। कब गायब होगा? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपका एच जोन छोटा हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लुक एट द पिक्चर ओवर हियर, यू कैन सी द एच जोन। पहले जो आपका ये जो जोन है आपका यहाँ पे, दैट इज योर एच जोन, राइट? जो आपका फ्री स्पेस है यहाँ पे, फ्री स्पेस में आपको क्या मिला, आपको मायोसिन दिख जाएगा बट यू विल नॉट हैव द एक्टिन। जैसे ही आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, गायब हो गया आपका एच जोन, जो था आपका यहाँ पे, वो आपका नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, दस फ्री स्पेस और दैट वेकेंट स्पेस इज नो लॉन्गर सीन ओवर देयर। सो एक बात दिमाग में बिठा लो कि जब आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन जब आपका होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर एच जोन विल गेट वैनिश्ड, ये आपका गायब हो जाएगा, ठीक है? एक और चीज याद रखना कि आपका जो मायोसिन होता है, आपका जो थिक फिलामेंट होता है, उसको जोड़ के रखता है एक प्रोटीन, उसको जोड़ के रखता है बीच में एक प्रोटीन, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एम लाइन, वी कॉल इट एज अ एम लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार एम लाइन कहाँ पे होती है, तो आपने सिंपली बताना है एम लाइन आपकी लगी होती है मायोसिन के ऊपर। सो मायोसिन को सेंटर से आप जोड़ के रखते हो विद वन काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज योर, और दैट प्रोटीन का नाम तो नहीं है बट दैट रीजन इज कॉल्ड एज माई एम लाइन। तो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं बट यू कैन सी इन द सेंटर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है योर मायोसिन इज बीन अटैच फ्रॉम द सेंटर बाय एम लाइन, ठीक है? तो एम लाइन भी आपको यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली आप एक एक करके आप यहाँ पे चीजों को आप समझोगे, सो रिलैक्स रहो एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर देयर, ओके? तो इतनी बातें तो हमने यहाँ पे देख ली, दीज आर द थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड ओवर हियर, राइट? आपको पता चल गया कि आपके माय प्रॉब्लम में आपके होते हैं एक्टिन मायोसिन आपका होता है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ओवर देयर, थिक कौन है थिन कौन है अब आपको समझ आ गया, दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड, राइट? ए बैंड आई बैंड क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बट वो समझाने के पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सो ए बैंड आई बैंड भी सिंपल है, वी विल सी दैट लेटर, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कपल ऑफ मोर थिंग्स। ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा एंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, ये तो हम देख चुके ऑलरेडी। मसल फाइबर इज अ सिंसेशियम, अब जब आपके सामने ये टर्म आएगा सिंसेशियम, दैट मीन्स इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर आपका सेल है मल्टी न्यूक्लिएटेड, if your cell is going to be multinucleated, then you will use a term like my syncytium. तो आपने एक term वहाँ पे use करना है, and that term over there is called my syncytium. So muscle fiber are syncytium, that means they are multinucleated. ठीक है, जैसे आपके आपका वो mention किया हुआ है, as a sarcoplasm contains many nuclei. ER, अब आपके sarcoplasm के अंदर you will have a ER, endoplasmic reticulum, जिसको हम even बोलते हैं as a sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, and is a storehouse of calcium ions. ये एक important point है याद रखना, आपके मसल फाइबर के अंदर यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसका काम यहाँ पे होता है स्टोर करना कैल्शियम आयंस को. दिस इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर, राइट. ईच मायोफाइब्रिल विल हैव अ डार्क एंड लाइट बैंड. डार्क मतलब मायोसिन, लाइट मतलब आपका हो गया एक्टिन, ठीक है. अब यहां तक कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, अगर आपको अगर इसके अंदर कोई चीज है जो आप क्लियर नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, देन बता दो मुझे यहाँ पे, बताइए. अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही तो अक्षरा, गिरजा, जसनूर, पल्लवी, सौरभ, प्रखर, सब ठीक है यहाँ तक? दीक्षा, यस सर, बच्चे जानवी एंड ऑल द अदर गर्ल्स, तमनप्रीत, टीम पंजाब, टीम हिमाचल, टीम ऑल ओवर इंडिया, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखनी है याद. चलो चलो, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Now let me tell you something which is going to be slightly more important. Like एक और एक आपको important चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ. तो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया, something we have understood. सार्कोमेर क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं, ये हम क्योंकि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं. So let me tell you one more thing in this. आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. Let's try to understand first of all. अभी तो हमने देखा कि हमारा एक्टिन है, मायोसिन है, वो भी हम उनको डिटेल में देखेंगे बाद में. बट लेट्स सी कि आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन आपका इनिशिएट कैसे होता है. हाउ डज द मसल कॉन्ट्रेक्शन हैज टू इनिशिएट, लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो आप यहाँ पे ये सोचो, अज्यूम दैट यू हैव अ मसल ओवर हियर, ये मेरा मसल फाइबर का मेम्ब्रेन है. अगर ये मेरा मसल फाइबर का मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होना चाहिए? सार्कोलेमा, ठीक है. सो दैट इज माई मसल फाइबर का मेम्ब्रेन यहाँ पे. और इसके पास में आ रहा होगा एक न्यूरॉन, इसके पास में एक न्यूरॉन आपका यहाँ पे आ रहा होगा. सो यू हैव दिस वन न्यूरॉन और ये उसके न्यूरॉन की एंडिंग. सो दिस इज माय न्यूरॉन एंडिंग, आई कैन से इट एज एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग. अब जब मैं अपना यहाँ पे अपना हाथ मूव करता हूं तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, मेरे ब्रेन से सिग्नल गया मेरे मसल तक एंड देन मैंने अपना यहाँ पे अपना हाथ मूव किया. सो मेरे ब्रेन से सिग्नल गया मेरे मसल तक यहाँ पे and after that I will find, I will raise my hand, ठीक है. अब ब्रेन से मेरा जो सिग्नल पहुंचा मसल तक वो कैसे पहुंचा वो हम यहाँ पे समझेंगे. तो पहले तो याद रखना कि जहां पे मेरा न्यूरॉन आ रहा है और जहां पे मेरा मसल है, दिस इज मसल ओवर है ना, दिस इज एक्चुअली मसल ओवर है. तो जहां पे मेरा मसल और न्यूरॉन मिल रहे हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज माई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जहां पे मेरा न्यूरॉन और मसल मिल रहे होते हैं, दिस जोन इज कॉल्ड एज माई न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. अब यहां पे आपका होगा क्या, आपका जो एक्सॉन एंडिंग है वहां से आपके निकलेंगे कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर. तो जब मेरा सिग्नल पहुंच रहा है मसल तक तो सिग्नल किस फॉर्म में पहुंचेगा? सिग्नल विल रीच ओवर देयर इन अ फॉर्म ऑफ माय योर न्यूरोट्रांसमीटर. सो दीज ब्लू ब्लू स्मॉल स्मॉल डॉट्स ओवर देयर आई कैन कॉल देम एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो एक्सॉन एंडिंग अगर आपसे कोई पूछे क्या रिलीज करता है, देन आपका आंसर यहां पे होगा दे आर गोइंग टू रिलीज व्हाट यू कॉल्ड एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. जैसे कि आपका हो गया एसिटाइलकोलाइन, आपका हो गया एज वन ऑफ द एग्जांपल, एसिटाइलकोलाइन हो गया, डोपामाइन हो गया, दे आर द न्यूरो ट्रांसमीटर. अब न्यूरो ट्रांसमीटर किसने रिलीज किया आपका यहाँ पे? इट इज बीन रिलीज बाय द एक्सॉन एंडिंग. इसको रिलीज किया आपके एक्सॉन एंडिंग ने. अब ये कहां पे जाएगा? सो नाउ याद रखना कि आपका जो सार्कोलेमा होता है उसके ऊपर आपको मिलेंगे कुछ यहाँ पे रिसेप्टर्स. सार्कोलेमा के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स बने हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सार्कोलेमा के ऊपर यू विल फाइंड देयर आर सम रिसेप्टर्स विल बी सीन. अब मेरे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इस रिसेप्टर के ऊपर जाके बैठेंगे. सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल कम एंड सेट ऑन दिस रिसेप्टर्स. सो सारे मेरे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे. याद रखना रिसेप्टर का होना वहां पे जरूरी है. ये जो वाई कलर का शेप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यू कॉल देम एज अ रिसेप्टर. आप ये मान लो कि लॉक एंड की तरह होता है, जब तक मेरी की लॉक पे जाके लगेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं. वैसे ही मेरा जब तक न्यूरोट्रांसमीटर मेरा रिसेप्टर पे जाके बैठेगा नहीं तब तक आपका यहाँ पे कुछ होगा नहीं. सो यू विल हैव अ रिसेप्टर एंड दैट रिसेप्टर इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर. सो दिस इज माय रिसेप्टर. अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही मेरा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के ऊपर जाके बैठेगा, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका मसल होता है एक्साइटरी. So this will generate a action potential. यहाँ पे जैसे आपका action potential आपका neurons में generate होता है, जैसे आपका electrical signal generate होता है, वैसे ही आपका एक electrical signal आपका generate किया जाएगा आपके muscle के अंदर.
और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें कन्वे करना है अंदर तक। तो आपको याद रखना कि आपके स्केलेटल मसल के अंदर यू विल हैव सम लॉन्ग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, यू विल हैव सम वेरी इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स लाइक दिस एंड यू कॉल देम एज अ टी ट्यूब्यूल्स। कुछ ऐसे इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे आपके मसल के अंदर एंड यू कॉल देम एज अ टी ट्यूब्यूल्स। अब टी ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? टी ट्यूब्यूल्स का काम होता है जो आपने यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जो आपने यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया उस सिग्नल को कन्वे करना अंदर तक। दे विल कन्वे द सिग्नल ऑन द इनर साइड। एक बार फिर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सुनो इस बात को ध्यान से। हमारे पास था मसल, उसके वहां पे था आपका एक न्यूरॉन, न्यूरॉन की एंडिंग आपके वहां पे थी। जैसे ही न्यूरॉन की एंडिंग से आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके बैठेगा कुछ रिसेप्टर के ऊपर एंड दोज रिसेप्टर आर देयर ऑन द सार्कोलेमा। जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। तो आपको यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा। सो विल फाइंड इट विल गेट एक्साइटेड एंड विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, या मैं कह सकता हूँ सिंपल टर्म में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। सो दिस विल जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे आपका सब लोग जनरेट करते हैं आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू व्हाट विल हैपन, योर सिग्नल विल बी सेंट ऑन द टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म। योर सिग्नल जो आपका यहाँ पे होगा, ये सिग्नल को मैं यहाँ पे सेंड करूंगा मेरे सार्कोप्लाज्म तक। यहाँ तक बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही आपको यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपने नीचे तक भेज दिया। अब ये जो आपने एक्शन पोटेंशियल आपने नीचे तक भेजा सार्कोप्लाज्म के अंदर, ये आपने क्यों भेजा? क्योंकि आप ये सिग्नल रिले करना चाहते हो टूवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये सिग्नल भेजना है बेसिकली आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो यहाँ पे कहीं आपके पास होगा आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहां तक आपको आपका सिग्नल भेजना है। अब मुझे बताओ कि आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या करता है? राइट, बहुत बढ़िया। सो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास है यहाँ पे, इसका एक काम यहाँ पे होता है कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखना। आप कैल्शियम आयन को फ्री में सेल के अंदर घूमने के लिए छोड़ नहीं सकते, याद रखना ये बात हमेशा। कभी भी किसी भी सेल के अंदर आप कैल्शियम आयन को ऐसे घूमने के लिए अकेला सेल के अंदर छोड़ते नहीं हो, आप उन्हें पकड़ के रखते हो, आप उन्हें पकड़ के रखते हो किसी ना किसी ऑर्गेनेल के अंदर। तो यहाँ पे हम कैल्शियम आयन को पकड़ के रखेंगे। अब जैसे ही अपना सिग्नल यहाँ तक पहुंचा, एज सून एज द सिग्नल विल रीच थ्रू द SCR, एज सून एज द सिग्नल विल रीच थ्रू द SCR, अब आपके यहाँ पे क्या होगा, जैसे SCR तक आपका सिग्नल पहुंचा, कैल्शियम आयन्स आपके यहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे। द कैल्शियम आयन्स फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी रिलीज्ड ओवर देयर। सो कैल्शियम आयन्स मेरे यहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे, सो दे विल कम आउट। अब जैसे मेरे कैल्शियम आयन्स यहाँ पे मेरे बाहर आए, एज सून एज माई कैल्शियम आयन्स विल कम आउट ओवर हियर, नाउ व्हाट विल हैपन, याद रखना हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा मसल फाइबर, दैट मींस मसल सेल के अंदर हम यहाँ पे। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इनसाइड द मसल सेल एंड यू नो इट इज माय सार्कोप्लाज्म। हम यहाँ पे खड़े हमारे यहाँ पे सार्कोप्लाज्म के अंदर। अब आपको याद है बहुत अच्छे से कि आपका जो मसल फाइबर होता है उसमें आपको क्या मिलता है, मायोफाइब्रिल। सो दिस कैल्शियम आयन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मायोफाइब्रिल। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मायोफाइब्रिल यहाँ पे खड़ा होगा, समवेयर यू विल फाइंड द मायोफाइब्रिल विल बी स्टैंडिंग ओवर हियर, और ये कैल्शियम आयन उनके तरफ जाना चालू करेंगे। सो दिस कैल्शियम आयन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल आपके यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप जानते हो मायोफाइब्रिल में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, विल हैव टू योर टू जेड लाइंस आपके यहाँ पे होंगी। अब इसके आगे वाली कहानी हम बाद में देखेंगे, बाद में मतलब वी विल सी दैट आज ही, लाइक आज कुछ देखेंगे हम यहाँ पे, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ तक पहले आपको याद रखना है दैट कैल्शियम आयन विल नाउ विल गो टुवर्ड्स द मायोफाइब्रिल। और आप जानते हो कि मायोफाइब्रिल के अंदर आपको मिलेंगे आपके दो लाइंस, विल हैव अ मायोसिन एंड एक्टिन। और ये कैल्शियम आयन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनके बगैर आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सो दे विल कम सिट ऑन द मायोफाइब्रिल एंड देन द थिंग्स विल स्टार्ट। तो याद रखना मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ कैल्शियम आयन्स। बिना कैल्शियम आयन्स के आप अपना मसल कॉन्ट्रेक्शन अपना यहाँ पे आप स्टार्ट नहीं करा सकते। पता नहीं ये बात आपको मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं ना, जो एथलीट्स होते हैं मतलब क्रिकेटर हो गया या कोई दूसरा एथलीट हो गया, तो वो पानी के साथ साथ मिनरल्स पीते हैं, या मैं कहूंगा दे ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक। और जनरली जो आपकी जो प्योर एनर्जी ड्रिंक होती है, जैसे आपका गेटोरेट हो गया, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, एक कंपनी आपकी गेटोरेट करके, GATORADE।
सो गेटोरेट नाम की जो कंपनी है, दे विल मेक सम राइट, वेरी गुड गिरिजा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर, एंड दोज इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन विच विल एंश्योर दैट यू हैव अ कॉन्स्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन वॉटर इज सुपर एसेंशियल. इनके वजह से आपका होम्योस्टेटिस मसल्स का आपका मेंटेन रहता है, राइट? सो बिना कैल्शियम आयंस के आप मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर सकते. कैल्शियम आयंस के बारे में आपको तीन चीजें याद रखनी है. एक बात दिमाग में सब लोग बिठा लो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कैल्शियम आयंस क्या करते हैं बॉडी के अंदर, देन आपको तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. थ्री थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द कैल्शियम आयंस, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. ये आपको हमेशा याद रखना है. व्हेन समवन टॉक्स अबाउट कि यार मेरे कैल्शियम आयंस करते क्या, वॉट आर माई कैल्शियम आयंस आर नोन फॉर, देन वी हैव टू नो थ्री थिंग्स. फर्स्ट, दे आर गोइंग टू हेल्प इन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, दे विल हेल्प इन मसल कॉन्ट्रेक्शन. मसल कॉन्ट्रेक्शन इनके बगैर आपका हो नहीं सकता, सो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए ये आपकी मदद करेंगे. सेकेंड थिंग, अगर आपको याद हो, कैल्शियम आयन ऑल्सो हेल्प इन द ब्लड कोएगुलेशन, राइट? ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन के टाइम पे ये आपकी मदद करते हैं. अगर आपको वो पाथवे याद होगा ना अपने ब्लड क्लॉटिंग वाला जो हमने सीखा था, तो वहां पे आपके बिना कैल्शियम आयन्स के आप वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है? एंड द थर्ड थिंग हियर इज गोइंग टू बी दैट कैल्शियम आयन्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आपको नर्व इम्पल्स भेजना हो तो वो करने के लिए भी आपको कैल्शियम आयन्स चाहिए होते हैं. सो इतनी बातें मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम. ये तीन है उसके सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी. That is why you always need to have a calcium ion in the blood. You always need to have a calcium ion. अगर calcium ion की body में कमी हो जाती है ना, अगर अगर आपके body के अंदर calcium ions की कमी हो जाती है, then certainly what that body क्या करेगी? आपके calcium को निकालना चालू करेगी आपके bones में से. It will start taking out calcium from the bones. ताकि blood के अंदर calcium का level आप maintain कर सको. So you always need to have certain amount of calcium in the blood. अगर आप किसी reason से अगर आप वो maintain नहीं कर पा रहे, then your body will start taking out the calcium. वो body आपकी calcium को निकालना चालू करेगी, और कहां से निकालेगी? It will start taking it out from the bones. That is what you find happening over there. ठीक है? Alright. तो अभी के लिए आप इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखो. Now let's come back over here. तो हम देखते हैं कि आपका सारकोमेर आपके यहाँ पे क्या होता है. अब इसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा देता हूँ. Let me show you some things again. हम वापस से इस पिक्चर की तरफ यहाँ पे हम आ चुके हैं. So now let's see what this picture is going to tell me. So now you have a actin mass. ना पता चल गया. बार बार मैं वापस इसलिए रहा हूँ ताकि वो दिमाग में बैठ जाए, इसलिए. ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर, यू नो व्हाट इज माय एच जोन, यू नो व्हाट इज माय एम लाइन ओवर हियर. अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है मेरे यहाँ पे आई बैंड एंड ए बैंड मेरे यहाँ पे क्या होता है. तो जहां पे मेरा मायोसिन लगा हुआ है, जहां पे मेरा सिर्फ मायोसिन लगा हुआ है मेरा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माई ए बैंड. मायोसिन मतलब मेरा थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट मतलब मेरा यहाँ पे ए बैंड. सो दिस ओवर हियर is called as my A band. So ये है मेरे यहाँ पे thick filament ना, myosin मतलब मेरे यहाँ पे thick filament हो गया, और thick filament को हम इवन यहाँ पे बोलेंगे as a A band. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. You can see this in a well defined much more picture. यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपका A band, आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, this is your A band. जहाँ पे आपका myosin है, that region is called as my A band, right? जहाँ पे आपका thin filament है, जहां पे आपका थिन फिलामेंट है और वो ओवरलैप नहीं कर रहा, वो ओवरलैप नहीं कर रहा आपके मायोसिन के साथ. सो जहां पे आपका थिन फिलामेंट है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये ओवरलैप भी नहीं कर रहा ना आपके मायोसिन के साथ, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय आई बैंड. इसको हम बोलते हैं, इतने एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे एज आई बैंड. सिमिलरली यू कैन सी द आई बैंड ओवर हियर एज वेल. So I band is nothing but my thin filament. तो मैं यहाँ पे mention करता हूँ, your thin filament is called as your I band. और thin filament में आप यहाँ पे जानते हो that you will have the presence of the actin will be seen over there. तो यहाँ पे आपको actin देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, right? I hope इतनी बात है आप सबको यहाँ पे clear है. I hope this is a part of a story which is clear to all of you. I band, A band is clear to all of you. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Let's see the statements. हम यहाँ पे देख लेते फटाफट. A sarcomere is a well is a defined as a region of myofibril contained between the two cytoskeletal structure called as my Z disc. इसके नीचे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे sarcomere.
स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट. आपको जो स्टेटेशन आपको दिख रहा है ना वहां पे, वो आपको थिक और थिन फिलामेंट की वजह से आपको वहां पे दिख रहा है. थिक एंड थिन मा फिलामेंट की वजह से आपको वहां पे दिख रहा है, राइट. द डार्क स्ट्रेटेटेड ए बैंड इज कंपोज्ड ऑफ थिक फिलामेंट कंटेनिंग द मायोसिन. पॉइंट नोट करना है आपको हमेशा ये कि आपका डार्क बैंड ए बैंड जो आपका होता है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इज माय, दैट इज मेड ऑफ माय मायोसिन जो मैंने आपको बताया था. द लाइटर आई बैंड जो आपका होता है, इट इज मेड ऑफ माय एक्टिन. द लाइटर आई बैंड रीजन कंटेन्स थिन एक्टिन फिलामेंट एंकर्ड एट द जेड डिस्क बाय अ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा एक्टिनिन. ये अभी आप इसे इग्नोर कर सकते हो या मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं तो आप देखो. You can see over this thing over here, right? आपका जो एक्टिन होता है ना, आपका जो एक्टिन होता है वो आपका अटैच होता है आपके जेड लाइन से एक प्रोटीन की मदद से. सो आपका जो एक्टिन यहाँ पे, इट इज अटैच टू द जेड लाइन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन. उस प्रोटीन को आप कहते हो यहाँ पे एज अल्फा एक्टिनिन. उस प्रोटीन को आप कहते हो यहाँ पे एज अल्फा एक्टिनिन. तो वो चीज आपकी बताई गई है कि आपका जो एक्टिन होता है, इट इज अटैच टू द जेड लाइन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड एज माई अल्फा एक्टिनिन. ओके, so actin filament anchored to the z line by the protein called as alpha actinin. H zone aapka kya hota hai? H zone is in the middle of the A band and it is little lighter in color because it is only contain the portion of a thick filament. Maine aapko bola tha H band aapka center ka wala area hota hai aur wahan pe aapko sirf milega aapka myosin. Wahan pe aapka myosin aur actin aapka overlap nahi kar raha hota, right? So dekho yahan pe mention kya hua hai, that does not overlap with the thin filament. So isko hum kehte hai as a H zone. और मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो एच जोन यहाँ पे होगा वो आपका वैनिश हो जाएगा जब आप करोगे अपना यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन यू गो फॉर अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज व्हेन द एच जोन विल गेट गायब. ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. सो आई होप यहाँ तक बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है. आई होप दिस इज अ कंपोनेंट विच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ तक सारी कहानी आपको समझ आ रही है, ठीक है. ये आपके लिए जरूरी है. तो एक काम करते हैं, कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनके फटाफट मुझे यहाँ पे आंसर दे दो. लेट क्विकली गिव मी सम आंसर्स ओवर हियर. फॉर एग्जांपल नाउ टेल मी, आपके इनवॉलंटरी मसल्स के नाम बताइए हैंड रेस करके. टेल मी द नेम ऑफ द मसल्स विच आर इनवॉलंटरी नेचर. चलिए चलिए जल्दी हैंड रेस करिए सब लोग यहाँ पे. बताइए जसनूर, क्या होते हैं नाम मेरे इनवॉलंटरी मसल्स के नाम बताइए. जस्टूर मुझे ये भी बता दीजिए कि जो दो मेरे यहाँ पे मसल्स हैं, इनको कौन सा नर्वस सिस्टम आपका इन्हें कंट्रोल करेगा. सर ऑटोनॉमिक. बहुत सही, दे आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट. ठीक है, नाउ टेल मी सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ माय स्केलेटल मसल्स. कोई तो होगा जो अपना हैंड करके बताएगा मुझे यहाँ पे. दो चार कैरेक्टर बता दो अपने एंड से, द कैरेक्टर फॉर माय स्केलेटल मसल. बताइए गिरजा, बोलिए. सर स्केलेटल मसल्स नॉन स्ट्रेटेड होते हैं. गिरजा क्या है ये, व्हाट इज दिस? स्केलेटल मसल में तो स्ट्रेटेशन आपको मिलेगा ना, बैंडिंग होगी ना वहां पे, तो नॉन स्ट्रेटेड नहीं होंगे स्केलेटल मसल्स, विल हैव द स्ट्रेटेशन. चलो मैं एक पॉइंट आपको बता दिया कि जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, याद रखना स्केलेटल मसल्स जो आपके रहेंगे, दीज मसल्स आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेटेशन. यहाँ पे आपको स्ट्रेटेशन मिलेगा, सो यहाँ पे आपको बैंडिंग आपको मिल जाएगी. और कुछ बताइए. चलो ये तो हमारा हो गया, स्ट्रेटेशन इज सीन. देखो एक चीज समझो गिरजा, क्योंकि उसके अंदर आपको स्केलेटल मसल में आपको काफी क्लियरली आपको मायोसिन और एक्टिन दिखता है. अब क्योंकि आपको वहां पे मायोसिन और एक्टिन अगर आपको आपको दिख रहा है, देन यू विल फाइंड स्ट्रेटेशन आपको होते हुए मिलेगा, ठीक है. और बताओ एनीथिंग एल्स. सर ये वॉलंटरी होता है, राइट. सो दे आर गोइंग टू बी वॉलंटरी इन नेचर, वॉलंटरी आपके हो जाते हैं. और कुछ, कैसा शेप होता है इनका? सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल शेप. सिलेंड्रिकल, अच्छा सब लोग मिल के आंसर करोगे, ठीक है. सिलेंड्रिकल शेप आपको मिल जाता है यहाँ पे. न्यूक्लियस कितने होते हैं? चार, पांच, एक, दो, कितने होते हैं? मल्टीन्यूक्लियेटेड. मल्टीन्यूक्लियेटेड, ओके. और मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म क्या होता है? सिंसेशियम. वेरी गुड, यू कॉल द सेंसेशन, राइट. ठीक है, ओके. इनको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट. इतनी बात आपको यहाँ पे रखने. और क्या ये मसल थक जाएंगे अगर मैं ज्यादा यूज करूंगा तो? यस सर, दे कैन अंडरगो फटीग.
फटीग इनके अंदर आपको होते हुए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं एक पिक्चर बनाता हूँ आपके सामने यहाँ पे, यू हैव टू टेल देम कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। सो अज्यूम करते हैं आपके सामने एक बड़ी खाली स्लाइड हम लेते हैं यहाँ पे, अज्यूम करते हैं कि मैंने आपके सामने एक बड़ा सा एक मसल निकाल लिया, मैंने एक आदमी का जाके मैंने मसल निकाल के लेके आ गया। सो देयर इज अ बिग मसल व्हिच आई हैव टेकन आउट, ठीक है। ये मेरा एक पूरा मसल है, दिस इज माई कंप्लीट मसल। अब इस मसल के अंदर सबसे पहले मुझे बताइए कि इस मसल के अंदर मुझे पहली चीज यहाँ पे जो सर्कल मुझे यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे, वो सर्कल मेरे यहाँ पे क्या होंगे। हैंड रेज करिए, हैंड रेज सब लोग, हैंड रेज करिए, इसके लिए हैंड रेज। बताइए अक्षरा क्या होगा इसके अंदर यहाँ पे, ये सब मसल बंडल। यस दे आर माय मसल बंडल, दे आर योर मसल बंडल। अब मसल बंडल मैंने यहाँ पे खींच के निकाल लिया, तो अब मैं सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे, समझो ना, मसल बंडल को यहाँ पे निकाल लिया। मुझे बताइए अब इस मसल बंडल के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बताइए तनुप्रीत, व्हाट आई विल फाइंड इन द मसल बंडल। मसल फाइबर। अच्छा आप कह रहे हो कि मसल बंडल के अंदर मुझे यहाँ पे जो मिलेंगे सर्कल से, यहाँ पे दो सर्कल्स आर नथिंग बट माय मसल फाइबर। क्या मसल फाइबर को मैं तनुप्रीत मसल सेल कह सकता हूँ? यस सर। ओके अब मुझे बताइए तनप्रीत की मसल फाइबर जिसको मैं मसल सेल भी यहाँ पे कह सकता हूँ, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? सार्कोलेमा। राइट दैट इज कॉल्ड एज योर सार्कोलेमा, ठीक है। और जो अंदर जो खाली स्पेस होगी उसको हम क्या बोलूंगा वहां पे? सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब मुझे बताइए कि चलो मैंने मसल फाइबर को यहाँ पे देखा, मैंने उसको भी वहाँ पे खींच के बाहर निकाला, सो आई डिसाइडेड कि मसल फाइबर को यहाँ पे निकालते बाहर एंड ऑब्जर्व करते, चलो मैं मसल फाइबर को मैंने यहाँ पे बाहर निकाला। तो अब मुझे बताओ कि मसल फाइबर के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ और यहाँ पे सर्कल्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये जो सर्कल्स मुझे मसल फाइबर के अंदर मुझे मिल रहे हैं इनका नाम यहाँ पे क्या होगा, बताओ सब लोग अनम्यूट करके। मायोफाइब्रिल्स, राइट, ये मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, दिस इज व्हाट आई विल फाइंडिंग इन दैम, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल को जब मैं खींच के बाहर निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन, सो दिस इज वेयर आई विल फाइंड माय जेड लाइन। यहाँ पे मुझे मेरा सार्कोमेर एज अ बेसिक यूनिट मुझे वहां पे खड़ा हुआ मुझे वहां पे वो मिल जाएगा। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। वंस यू टेक आउट द मायोफाइब्रिल यू कैन एक्चुअली वेरी क्लियरली सी ओवर देयर प्रेजेंस ऑफ योर मायोसिन एंड एक्टिन कैन बी वेरी क्लियरली सीन इन दैम, ठीक है। इतनी बात तो हमने यहाँ पे देख ली। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपका जो सार्कोप्लाज्म होता है, जो आपका सार्कोप्लाज्म है आपके यहाँ पे, दिस माय सार्कोप्लाज्म ना, इसमें और क्या मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट इज द अदर थिंग आई विल बी फाइंडिंग इन दिस? बोलिए बोलिए तनप्रीत बोलिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट तो सार्कोप्लाज्म के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए मेरे यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इनसाइड देम आई विल आल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज माय। और जानवी क्या आप बताना चाहेंगे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरा क्या करता है? जनरली मसल आपका कुछ स्टोर करते हैं, जनरली मसल और लिवर एक चीज आपका स्टोर करते हैं, एंड दैट थिंग इज गोइंग टू बी व्हाट? बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन आपका स्टोर करते हैं, बहुत सही बढ़िया, राइट। अब मैं ना एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, दिस वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ओवर हियर ऑल ऑफ यू, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। पीछे जाते हैं थोड़ा, पास्ट में जाते हैं, लेट्स गो बैक इन द पास्ट, एकदम स्टार्टिंग में और पीछे, पास्ट आई नहीं रहा हमारा, आ गया। सो यहाँ पे हमने ये सब देखा कि ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है मसल के अंदर, एवरीथिंग ओवर हियर। इन दिस आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, मसल्स आर नोन टू हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन देम। मसल के अंदर आपको मिलता है आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट और उसका नाम यहाँ पे आपका होता है मायोग्लोबिन। याद रखना मसल के अंदर यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, चाहे वो स्मूथ हो स्केलेटल हो, सबके अंदर मिलेगा आपको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड एज माय मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये मायोग्लोबिन करता क्या, इट विल स्टोर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसके ऊपर आपको ऑक्सीजन बैठा होगा आपको मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू स्टोर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस पे बैठा हुआ आपको मिलता है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल इसके ऊपर आपको बैठा हुआ आपको मिल जाएगा, जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही आपको मायोग्लोबिन, बट मायोग्लोबिन आपको मिलेगा आपके मसल्स के अंदर। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो एक टाइम बाद आपको रुकना पड़ता है, क्यों रुकना पड़ता है, ऑक्सीजन खत्म हो गया
ऑक्सीजन हो गया खत्म, देन यू हैव टू ब्रीद इन द ऑक्सीजन एंड देन इट विल बी यूज्ड ओवर द मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए. तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे जो आपका ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है, दैट ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम द मायोग्लोबिन. सो मायोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन को रिलीज करता है जैसे आप अपनी मसल को इस्तेमाल करना वहां पे आप चालू करते हो. ये बात आपको यहाँ पे रखनी याद. एक और बात याद रख लो, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आपकी होती है चार लोकेशन ऑक्सीजन को बिठाने की. अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा देन हीमोग्लोबिन में विलावा फोर साइड्स हीमोग्लोबिन. अगर ये नहीं मालूम तो अब याद रख लेना, हीमोग्लोबिन जो आपका होता है ना उसके ऊपर चार सीटें होती है जहां पे मेरा ऑक्सीजन जाके बैठ सकता है. सो यू हैव अ फोर बाइंडिंग साइट ऑन हीमोग्लोबिन. ऑन सिंगल हीमोग्लोबिन यू हैव अ फोर बाइंडिंग साइट, बट मायोग्लोबिन के अंदर यू हैव अ सिंगल बाइंडिंग साइट. तो एक मायोग्लोबिन के ऊपर आपका एक ही ऑक्सीजन आके बैठेगा. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो अ सिंगल मायोग्लोबिन विल हैव अ सिंगल ऑक्सीजन विल बी सिटिंग ओवर देयर, राइट. सो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही जो मैंने अभी अभी बताई आप सबको? इतनी याद रखना, इसको हम फ्यूचर में थोड़ा और इलाबरेट करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन आज की क्लास में. अब इसको लेके कोई सवाल तो आप पूछ लो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डन सो फार देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन. सर मायोग्लोबिन में क्या होता है? मायोग्लोबिन पे लगा होता है आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो मायोग्लोबिन आपका एक पिगमेंट है, उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा होता है. तो जैसे ही आप कोई मसल को आप यूज करते हो तो मसल को यूज करने के लिए यू नीड एटीपी, और एटीपी बनाने के लिए यू नीड टू हैव ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन आपका आता है मायोग्लोबिन से. तो तुरंत जैसे आप कोई मसल का इस्तेमाल करना चालू करते हो, जैसे ही समझो आप डिसाइड करके मैं भागूंगी, लेक्चर खत्म हो गया मैं भागूंगी यहाँ से, राइट. तो भागने के लिए जब आप अपने मसल का इस्तेमाल करोगे तो तुरंत आपके मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन के पहले दे विल रिलीज द ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आपकी एनर्जी बनाई जाएगी एटीपी. बिकॉज मसल कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको इवन चाहिए आपका एनर्जी. खर्चा तो लगेगा ना मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का, दैट इज योर एटीपी. और एटीपी बनाने के लिए यू नीड टू हैव ऑक्सीजन. सो याद रखना मायोग्लोबिन विल हैव द ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन. इसको हम लाइक यूज करेंगे, रिलीज कर लो, इसको हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन. ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है. और भी सवाल तो आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था ना आपका यहाँ पे सर उस रिसेप्टर पे होगा या फिर वो टी टिब्यूल्स पे? मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, लेट मी टेल यू ओवर देयर. सो एक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन पे जनरेट होगा एंड देन इट विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द टी टिब्यूल. तो जैसे ही आपका रिसेप्टर आके बैठा तो ओवर हियर इटसेल्फ वी विल फाइंड द एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट, क्योंकि मसल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शोइंग द एक्साइटेबिलिटी. और जैसे आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ, इसको ही हम कन्वे कराते हैं, इसको हम पहुंचाते हैं हमारे टी ट्यूबल तक एंड देन द टी ट्यूबल विल कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द सेंटर. गिरजा समझ आया? यस सर. तो मेम्ब्रेन भी जनरेट होता है वहां पे एंड देन इट विल बी कन्वेड टुवर्ड्स द टी ट्यूबल एंड देन वहां से अंदर. यस ठीक है. और बताइए और किसी का कुछ सवाल है तो बताइए. कल हम लोग जब वापस मिलेंगे रात को, सो यस वी विल बी एक्चुअली एबल टू कंप्लीट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है. मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन एक बार समझ आ गया ना, बाकी सब तो वॉक इन अ पार्क है इस चैप्टर में. बाकी जैसे वो आपका स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट आता है, दैट इज समथिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ओवर देयर. तो इट इज अ पीस ऑफ केक. द मेन पार्ट हियर इज गोइंग टू बी योर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड टू एन एक्सटेंट योर डिसऑर्डर्स, वो आपके थोड़े यहाँ पे जरूरी होते हैं समझने के लिए. बाकी सब चीजें तो आपको इसके अंदर याद रखनी है, विच इज सिंपल, राइट. तो कल हम लोग जब वापस मिलेंगे सो वी विल कंप्लीट व्हाट यू कॉल्ड एज अ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता कैसे वो हम सीख लेंगे. And then we'll slowly move into your skeletal system. ठीक है. I would recommend कि कल आने से पहले जितना हमने आज किया ना उसको एक बार पढ़ लेना, because that will help to understand other things easily. ठीक है. So yeah, that's what we have done. So यहाँ पे हमारा lecture हम wrap up करते हैं. हाँ जी जानवी बताइए, बोलिए. Sir, M line क्या होता है? M line basically आपका रहता है यहाँ पे center के अंदर. क्या होगा ना, आपका जो myosin होता है वो center में एक protein से जुड़ा हुआ होता है. Let me show you a myosin somewhere. देखो ये मेरा यहाँ पे मायोसिन है, अब यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मायोसिन का क्या होता है ना, बीच में आपको यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होता है. यहाँ पे यू हैव अ प्रोटीन इन द सेंटर एंड दैट प्रोटीन इन द सेंटर व्हिच कनेक्ट्स द मायोसिन, या मायोसिन को जो बीच में से जोड़ के रखता है,
दैट प्रोटीन और दैट लाइन इज कॉल्ड एज माई एम लाइन. प्रोटीन का नाम तो एम लाइन नहीं होता, बट ये जो लाइन होती है आपके यहाँ पे जो मास इनको बीच में से जोड़ के रखती है, दैट लाइन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माई एम लाइन. जानवी समझ आया? Yes, sir. जानवी रुक जाओ, नहीं जानवी नहीं, यहाँ पे देखो. सो यू कैन सी दिस स्मॉल ग्रे कलर लाइन ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज माय एम लाइन, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एम लाइन. हमेशा आपको सेंटर में मिलेगी, ये इनका काम होता है मास इनको बीच में से जोड़ के रखना. सो दैट इज गोइंग टू बी द एम लाइन ऑलवेज, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो यस दैट इज व्हाट वी हैव डन. ठीक है, चलो हैव सम रेस्ट, आपका एक और लेक्चर है, सो अटेंड करना वो वाला लेक्चर भी सही तरीके से. एंड प्लीज हैव समथिंग, have your some kind of khana, kuch kha lo, and then quickly come back at 8:45. Okay? Chalo everyone, chalo. Bye, good night. We'll catch you again after some time. Matlab kal. All right, bye everyone, bye.